हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम नमक, पानी और सिल्वर कॉपर की पत्तियों या फिर प्लेट बोल सकते हो आप, इनके द्वारा बैटरी को बनाएंगे। और इसी बैटरी के द्वारा हम 5 वोल्टेज की एक LED और एक सैमसंग के मोबाइल को चार्ज करके भी देखेंगे। और जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटरी बनाने के लिए हमें कई सारे सेलों की जरूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम बैटरी बनाने के लिए जो सेल तैयार कर रहे हैं वो केवल हम कॉपर की पत्ती और एल्युमिनियम के पत्ते का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस सेल में हमें जो कॉपर प्लेट होगी उससे पॉजिटिव प्राप्त होगा और जो अल्मोनियम प्लेट होगी उससे नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए एक वायर है और आगे मैंने इसके दो क्लैंप लगा दिए। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसको नीले कलर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर लीजिए। और दूसरी जो कॉपर वाली प्लेट है उसको मैं येलो कलर, यानी जिससे हम पॉजिटिव प्राप्त करेंगे, उससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ एक सेल के रूप में कि ये वोल्टेज पैदा करता है। देखिए इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम एक प्लास्टिक का डब्बा लेते हैं और इन दोनों प्लेटों को उसके अंदर डबो देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप एक बार डबो दीजिए। ठीक है, अब हम एक मल्टीमीटर लेते हैं जिसको जो वोल्टेज होगा उसको चेक कराने के लिए। देखिए मेरे पास ये मल्टीमीटर है और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और कि जो वायर है मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, ये जो वायर है, लीड है मल्टीमीटर की, इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे इससे मैं पॉजिटिव प्राप्त होगा रेड कलर वाली से, और इससे होगा नेगेटिव ब्लैक कलर वाली से। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि मेन बात ये होती है कि सेल को कैसे तैयार करते हैं। तो बैटरी बनाना होता है वो तो सीरीज में पैरेलल में इनको जोड़कर बैटरी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर नमक का पानी डालेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, ये जो वोल्टेज मिलेगा ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन इनको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ करके जो पावर होगा उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें नमक का पानी है और इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखने लगा है। ठीक है, करीब आधा वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। ठीक है, और ये जो प्लेट है इनको पूरा डबो देते हैं। तो वोल्टेज है इसका जो करंट है, क्योंकि अगर ये जो प्लेट है पूरी डूबेगी तो इसमें जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा। वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे ये जो हमने सेल किया है किस तरह से इसको तैयार किया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमने जो ये सेल तैयार किया है तो इन सबको हम सीरीज में जोड़ देते हैं। तो सीरीज में जोड़ने पर इनका जो वोल्टेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए ये 0.37 वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रत्येक सेल 0.3637 वोल्टेज देगा और उसका जो टोटल होगा वो उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम एक पूरी बड़ी बैटरी बनाने के लिए, देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और जिसमें छोटे छोटे कई सारे, यानी करीबन 18 बॉक्स और है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो इसका मतलब हम एक इसी बॉक्स में हम 18 जो सेल है वो भी तैयार कर सकते हैं और उनको हम अपनी इच्छा अनुसार सीरीज में या फिर पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक सेल ये हो गया,
दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये, इस तरह से इसके अंदर टोटल सेल है वो 18 सेल आ जाएंगे। और मैं इस वीडियो में जो टोटल सेल होंगे उनको सीरीज में जोड़ के उसकी वोल्टेज है उसको बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए जो पॉजिटिव हो, जो कॉपर की पत्ती है, प्लेट है, उससे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, चलिए मैं नेगेटिव पत्ती को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको चिपका देता हूँ। मेरे पास ग्लू गन है, ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मजबूत हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम जो ये इसके द्वारा हमें नेगेटिव मिलेगा और जो लास्ट सिरा होगा वो होगा पॉजिटिव का, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इस पर कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन से इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ ताकि ये हिल लेना। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा देता हूँ। थोड़ा यहाँ पर, देखिए हमें जो आउटपुट वाली प्लेटें थी उनको कनेक्ट करके यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ, जैसे ये जो सेल बनेगा यहाँ पे, तो इसको सीरीज में इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पत्ती है, प्लेट है, वो एल्युमिनियम की है, तो इसके सामने वाले प्लेट है वो कॉपर की आएगी। तो ठीक है, तो मैंने इस तरह से कई सारी पत्तियों को तैयार कर दिया है। ठीक है, जो एल्युमिनियम और कॉपर को एक साथ कनेक्ट करके बना दिया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इस साइड में ये जो एक कॉपर की पत्ती है और दूसरी है जो एल्युमिनियम की है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो बॉक्स के अंदर बॉक्स कई सारे हैं, तो यहाँ पे कम जगह है, इसलिए मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अगर आप अलग अलग बॉक्स ले रहे हो तो उसके अंदर जो बीच का जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, तो आप इसको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम की प्लेट लगा दी और यहाँ अब इसके सामने होगी वो कॉपर की आएगी। ठीक है, तो अब देखोगे आप तो यहाँ पर ये एक सेल बन चुका है, इसके अंदर जब पानी डालेंगे तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी साइड में वो एल्युमिनियम की आ गई, यानी आप अगर सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे तो विपरीत दिशा वाले हो ना उसको कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में जो दोनों टाइम में सिरे बचेगी वो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो चलिए मैं इसको तैयार कर देता हूँ। देखिए इसके सामने कॉपर की आएगी, तो इस साइड में कॉपर का ये दूसरा सेल तैयार हो गया। ठीक है, और ये लास्ट है। ठीक है, तो आप इन सबको देख करके समझ चुके होंगे शायद, प्रत्येक बॉक्स में एक सेल बन रहा है। ठीक है, किसी भी बॉक्स को देख लीजिए,
इसके अंदर एक एल्युमिनियम प्लेट और दूसरी कॉपर प्लेट आपको नज़र आएगी, ठीक है। जैसे ये इस साइड में कॉपर, इस साइड में एल्युमिनियम। इसके लिए देखिए लास्ट वाला, इस साइड में कॉपर, इस साइड में एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह से इन सभी सेलों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया है। तो अब मैं आपको एक, देखिए पहले तो मैं आपको इसके चारों ओर आपको किसी तरह से शक ना हो, तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हो किसी तरह का वायर वगैरह नहीं है, ठीक है। ये 100% काम करता है, आपके किसी भी तरह का शक ना करें। तो अब ये देखिए, ये जो मैंने प्लेट का यूज़ किया है, ये मुझे, मैंने एक जो कॉपर का बर्तन था उसको काट करके तैयार किया है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये जो प्लेटें हैं, काफ़ी बड़ा कोई बर्तन हो तो आप ये प्लेटें हैं बड़ी ही काटें, ठीक है। क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट होगी तो उतना ज़्यादा करंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं एक LED लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इनको मैं यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, नहीं नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, एक मिनट में थोड़ा सा इस बॉक्स को इस तरह से कर देता हूँ ताकि पूरा बॉक्स आपको दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज पैदा होगा। तो मैं मल्टीमीटर से एक बार ऐसे ही चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आप अब देखोगे तो देखिए इस पे कहीं भी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मेरे हाथ का वोल्टेज दिखा रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ वोल्टेज इंसान में भी होते हैं। तो ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। और किसी भी सेल को चेक करते हैं तो भी देख लीजिए आप, ठीक है। किसी भी तरह देखिए इसमें फिलहाल वोल्टेज जीरो है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला है। इसके अंदर हम नमक और पानी को डालेंगे, नमक के घोल, मतलब जो नमक का घोल होता है तो उसको डालेंगे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक अलग अलग सेल बन जाएंगे और यहाँ पे हमें वोल्टेज जनरेट होगा। तो मैं देखिए इसके अंदर, पहले तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप किसी भी तरह का डाउट ना हो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए किसी तरह से, ठीक है। कहीं पर भी कोई वायर वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी एक ऐसा ही वीडियो अपलोड किया था नमक और पानी से बैटरी बनाने का, तो उसमें काफ़ी दोस्तों को ये इम्पैक्ट, काफ़ी दोस्तों ये कमेंट आ रहे थे कि ये फेक वीडियो है, लेकिन वो दोस्तों फेक वीडियो नहीं था, आपका जो बनाने का ढंग था वो सही नहीं था, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज पैदा होगा, ठीक है। ठीक है, इस जग के अंदर मैंने नमक और पानी का घोल करके तैयार कर दिया है और मैं इसमें बारी बारी डाल देता हूँ, देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको पानी को डालना है, अब तक क्योंकि ये जितने बॉक्स हैं उन सब में पानी डालें, क्योंकि ये सब के सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें फिलहाल जीरो वोल्टेज मिल रहा है। मैं इन सबको थोड़ा पानी और ले लेता हूँ और उसके बाद देखिए इन सबको बारी बारी से भर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा है,
मैं वीडियो को कहीं पर भी पॉज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको कहीं डाउट ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बचा ये लास्ट बॉक्स। जैसे ही मैं इस बॉक्स में पानी डालूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, ठीक है। शायद आपको बॉक्स है वो अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नज़र देखिए, और मैं इसमें पानी डालता हूँ तो पानी डालते ही यहाँ पे ये जो LED है वो जलने लग जाएगी। देखिए ये देखिए दोस्तों, LED है वो ग्लो करने लग गई है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए जो ये LED 5 वोल्टेज पे चलती है, लेकिन यहीं पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके द्वारा आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार मैंने आपको LED से चेक करके दिखाया है, ठीक है। तो अब हमारी जो बैटरी है वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ये देखिए LED को दोबारा दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, जो कि अच्छे से नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, और अब ये जो हमारा मीटर है, मैं डायरेक्टली इसको पहले वोल्टेज पे कर देता हूँ, 0.0 पे नहीं, वोल्टेज जो कि 200 वोल्टेज DC आपको दिखा सकता है ये, ठीक है। तो मैं इस पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए वायर थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना हो, ठीक है। ये देखिए वायर मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब जो नेगेटिव वाला है इससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो जितना वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों 9.1 वोल्टेज। थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, ये देखिए 9.2 वोल्टेज दिखा रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये करीबन 10 या 11 वोल्टेज के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो आप शायद इसको देख चुके हो। अब मैं मल्टीमीटर को अलग रख देता हूँ, और अब आपको एक मोबाइल से इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये चार्ज करता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, किसी के बीच में आने के कारण मुझे वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ गया, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको दोबारा से इसे उठा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये जो ऑप्शन शोर नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं इसे उठा देता हूँ, इसमें करीबन 2.5-3 लीटर पानी है जिसके कारण काफ़ी वजन ही है, ठीक है। ये देखिए इसके चारों तरफ देखिए किसी तरह का वायर वगैरह नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसको अलग भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई आपको होल वगैरह या फिर वायर वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस रख देता हूँ, ठीक है। तो शायद आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो एक्सपेरिमेंट है घर पे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये 100% काम करता है, ठीक है। तो अब मैं इसी बैटरी के द्वारा एक मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ, जो कि एक सैमसंग का मोबाइल है मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चार्जर जो USB केबल लेता हूँ, जिसको एक साइड में कट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली से कनेक्ट करेंगे, ना कि बीच में चार्जर का यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक साइड में कर देता हूँ, और मोबाइल को पास में ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इस USB केबल को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल भी आप कहीं पे सोच रहे हो कि शॉर्ट करने के कारण ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं देखिए जैसे ये जो केबल है USB केबल है, इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपको जो चार्ज होने की आवाज़ आती है शायद आपको सुन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको चार्ज होते हुए नज़र आएगा। ये जो रेड कलर है इसको हम पॉजिटिव देंगे, और ये जो ग्रीन कलर है ये देखिए इसको हम नेगेटिव देंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव दे देते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव देते हैं। देखिए जैसे मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे आपको एक आवाज़ आएगी जो चार्ज होने की होती है, ठीक है। देखिए ये देखिए दोस्तों, आपको शायद आवाज़ नज़र आ गई होगी, ठीक है, शायद आपको सुन गई अच्छे से। मैं देखिए थोड़ा सा ये शॉर्ट हो रहा है, तो आपको दिखा भी देता हूँ ये,
काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ज होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, चार्ज हो रहा है। तो देखिए मैं एक बार यहाँ से हटा करके दिखा देता हूँ। देखिए अब देखोगे तो चार्ज हो रहा है, लेकिन जैसे मैं हटाता हूँ तो ये हट गया, ठीक है। ये देखिए हट चुका है, जैसे मैं लगाता हूँ इसे, ये देखिए चार्ज होने लग गया, ठीक है, ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये 100% काम करता है, इस पर आप डाउट मत कीजिए। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको घर पे करके देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो कम से कम आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, ठीक है। और आपको किसी तरह का फिर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप घर पे इसका यूज़ करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो।